हेलो दोस्तों, बिल्कुल नए वीडियो में आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है। मेरा नाम है सूजो और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकन को दबाइए हर एक नोटिफिकेशन को आपसे जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। दोस्तों मेरे साथ है बिल्कुल नया सुजुकी का जिक्सर SF250 और ये आप कलर देख सकते हो, ये है उनका 100 ईयर एनिवर्सरी एडिशन। तो इसमें आपको बहुत बेहतरीन कलर मिल जाती है जो है सिल्वर और ब्लू कलर की कॉम्बिनेशन, और एक स्पेशल एडिशन भी बोल सकते हो क्योंकि आपको यहाँ पे जो सुजुकी का लोगो मिलता है, ये सुजुकी का लोगो जो है वो रेड कलर में फिनिश किया गया है जो कि बाकी सुजुकी के बाइक्स पे आप नहीं देख पाओगे। और आप देख सकते हो जो पूरा लेवरी है ये पूरे मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा है सिल्वर और ब्लू ट्रिम पे। सामने की तरफ आपको फुल LED हेडलाइट का सेटअप मिल जाता है, ये वन ऑफ द बेस्ट LED हेडलैम्प्स है दोस्तों। जितने भी रेंज ऑफ बाइक्स इस रेंज में मिलते हैं उन सभी बाइक्स का जो LED स्प्रेड है वो बहुत बेहतरीन स्प्रेड है। सामने की तरफ आपको 110 सेक्शन का टायर मिल जाता है और जो अलॉय व्हील्स है वो ब्रश्ड एल्यूमिनियम फील के साथ आते हैं तो वो भी काफ़ी बढ़िया लगता है। और सामने की तरफ आपको अगेन डिस्क, काफ़ी बड़ा डिस्क ब्रेक मिल जाता है। इसमें बाइब्रेक के कैलिपर्स है और फोक्स है वो टेलीस्कोपिक फोक्स आपको मिल जाता है। अगर बात करें पीछे की तो सुजुकी का सिग्नेचर स्टाइल डबल पोर्ट एग्जॉस्ट यहाँ पे मिल जाता है और काफ़ी बेसी इसका एग्जॉस्ट साउंड है, तो मैं आपको इसका एक बार साउंड सुना देता हूँ तो आपको मालूम पड़ जाएगा कैसा है। तो आप सुन सकते हो, बहुत ही बढ़िया साउंड है। और पीछे की बात करें तो पीछे आपको अगेन रेडियल टायर मिल जाता है, पीछे 150 सेक्शन का MRF रेव्स सी टायर है, सामने आपको F मिल जाता है और पीछे भी आपको डिस्क मिल जाता है, अगेन बाइब्रेक के कैलिपर्स आपको मिल जाते हैं। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है दोस्तों ब्रेकिंग का, जो बाइट है फील है डुअल चैनल ABS के साथ आता है तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया आता है। तो दोस्तों इसके इंजन के बारे में देख लेते हैं। इसका जो इंजन है वो है 249cc का ऑयल कूल्ड इंजन, और जो ऑयल कूलिंग सिस्टम है ये सुजुकी का अपना खुद का पेटेंटेड सिस्टम है, और जो ऑयल कूलिंग प्रोसेस है वो काफ़ी बढ़िया काम करती है, बिल्कुल लिक्विड कूलिंग प्रोसेस की तरह ही, क्योंकि मुझे यहाँ से कोई हीट पासिंग महसूस नहीं हुई है अपने पैरों पे। और ये 26.5 BHP का टोटल पावर आउटपुट प्रोड्यूस करता है, 22.2 Nm का पीक टॉर्क ये बनाता है। इसपे आपको 6 फीट का गियर बॉक्स मिल जाता है, इसमें आपको जो क्लच है वो नॉर्मल क्लच मिल जाता है, बट जो गियर बॉक्स है दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया है। गियर शिफ्ट जो है वो बिल्कुल मक्खन की तरह मतलब शिफ्ट्स होते हैं, और जो क्लच का फील भी है वो भी काफ़ी आपको लाइट मिल जाती है। अब बात करें ओवरऑल प्लास्टिक्स की तो काफ़ी बढ़िया इसकी क्वालिटी है, जो बिल्ड क्वालिटी है अगर आप कंपेयर करो तो अबव एवरेज आप बोल सकते हो बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी बढ़िया लग रही है मुझे। और जो प्लास्टिक क्वालिटी है, यहाँ पे स्विच गियर क्वालिटी हो गया या जितने भी यहाँ पे यूज़ किए गए मटेरियल्स, उन मटेरियल्स की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है पहले से कंपेयर करते हुए। अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करें दोस्तों तो यह आपको नेगेटिव LCD यूनिट मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा खासा मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ऑल्दो काफ़ी बेसिक है। तो यहाँ पे आपको रेव मीटर मिल जाता है, यहाँ पे गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, यहाँ पे स्पीडोमीटर, यहाँ पे फ्यूल गेज, यहाँ पे वोल्ट मीटर, फिर यहाँ पे टाइम बता देता है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे टोटल किलोमीटर्स हो गया, ट्रिप ए हो गया, ट्रिप बी हो गया, यहाँ से पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको ABS का ऑप्शन दिया हुआ है, इंजन में ऑयल चेंज का ऑप्शन यहाँ पे ब्लिंक करेगा, यहाँ पे आपको इंजन में कोई प्रॉब्लम आई तो यहाँ पे ब्लिंक करेगा। तो बेसिक जितने भी आपको रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे रिक्वायरमेंट्स जो है वो कंप्लीट किए गए हैं। इसमें आपको यहाँ पे पास स्विच मिल जाता है, ये हाई बीम लो बीम, यहाँ पे इंडिकेटर्स और यहाँ पे हॉर्न, यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है और ये इग्निशन। और इसको आप तभी स्टार्ट कर सकते हो जब आपको क्लच अगर आप पकड़े और इग्निशन दे तभी ये स्टार्ट होगा दोस्तों, वरना ये स्टार्ट नहीं होगा। और इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन किल स्विच नहीं मिलता है इसके वाले वेरिएंट में, तो वो मिसिंग है। और जो हॉर्न है वो सिंगल हॉर्न है दोस्तों, मतलब ये है तो 250cc का इंजन बट इसमें सिंगल हॉर्न ही यूज़ किया गया है। अगर टू हॉर्न्स होता तो काफ़ी बढ़िया होता। और अगर आप देखें तो जो इंडिकेटर्स है वो नॉर्मल वाले इंडिकेटर्स है दोस्तों, ये LED यूनिट्स नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा मतलब डिसअपॉइंटमेंट होता है कि काश ये भी अगर LED यूनिट्स होते
तो बेहतर होता प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो में अगर देखा जाए तो। तो दोस्तों इसका जो सीट हाइट है वो है 800 mm। तो मैं आपको बताता हूँ इस पे बैठ के कि कैसा ये फील होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ ऐसे, तो आप देख सकते हो मेरी हाइट जो है वो 5'11" है और मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ इस पे बैठने पे। और मैं अगर इसको चलाऊँ तो आप देख सकते हो ये टैंक से बिल्कुल ऐसे मैच कर जाता है। तो अगर आपकी हाइट 6 feet भी होगी तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, और 5'7" या 5'6" भी होगी फिर भी आप आराम से इसको मैनेज कर पाओगे। तो 800 mm इसका जो है वो सीट हाइट है, और इसमें आपको 12 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी मिल जाती है। रिक्शा 250 जो है वो बहुत ही बेहतरीन बाइक है, और इस बाइक को आप ले सकते हो। इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 212,300 के आसपास, और ये जो ऑन रोड प्राइस है ये सिटी टू सिटी मतलब स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है 1-2 हज़ार रुपये के हिसाब से। मैं जो ऑन रोड प्राइस बोल रहा हूँ ये हैदराबाद का है, और इसके अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो मैं अरुष सुजुकी जो हमें ये बाइक दिए हैं उनका पूरा डिटेल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ज़रूर से उनको कांटेक्ट कर सकते हैं इनके जितने भी सुजुकी के बाइक्स हैं उन सभी बाइक्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन को दबाएं।